टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। बंगाल में हुई हिंसा तो ज्यादा थी और दिल्ली में हुई हिंसा तो गद्दारों को मारो भाई, प्रभु तूने ये कैसी दुनिया बनाई। स्वघोषित राष्ट्रवादी पार्टी की जबरदस्त समर्थक कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी जानी मानी देशभक्त अभिनेत्री का ट्विटर हैंडल अगर सस्पेंड होगा तो मुद्दा तो बनेगा ही। दरअसल हुआ ये कि कंगना रनौत को कश्मीर से बहुत लगाव है, शायद इसीलिए ममता बनर्जी की जीत के बाद उन्हें बंगाल भी कश्मीर लगने लगा। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की खबर सुनकर कंगना रनौत ट्विटर पर उतर आई। कंगना का हृदय द्रवित हो उठा और ड्रामा क्वीन के आंख से आंसू तक छलक आए। होना भी चाहिए, हिंसा बंगाल में हो या फिर बॉर्डर में बैठे हुए किसानों पर, यह वाकई गलत है। पर मेरा एक सवाल है, ये आंसू ये संवेदनाएं सिर्फ एक तरफा ही क्यों उमड़ती हैं? क्या मानवता भी अब पक्षपात पूर्ण हो चुकी है? क्या हृदय की संवेदनाएं अब भेदभाव करने लगी हैं? या आंखों से निकलने वाला आंसू ये देखकर निकलता है कि खून किसका बहा है? बंगाल में हो रही हिंसा पर वाकई सवाल उठाया जाना चाहिए। ममता सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी हिंसा को रोके, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टीएमसी के ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन ले। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं बेहद शर्मनाक है और अस्वीकार्य भी है। लेकिन दुविधा की बात यह है कि यह ऐसी घटनाएं स्वीकार तब हो जाती हैं, दिल्ली में तब हुई जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, बंगाल में यह हिंसा तब हुई जब चुनाव चल रहे थे और राज्य सरकार की मुखालफत कर रहे लोगों पर यह हिंसा की गई, यानी दोनों ही तरफ यह हिंसा तब हुई जब सत्ताधारी पार्टी की मुखालफत की गई। फर्क सिर्फ इतना था कि दिल्ली में भाजपा जब हार गई तब यह हिंसा हुई और बंगाल में यह हिंसा तब हुई जब टीएमसी जीत गई, यानी दोनों तरफ सत्ता का दंभ और नफरत की राजनीति सर चढ़कर बोल रही थी। लेकिन बंगाल में हुई हिंसा के लिए भाजपा भी जिम्मेदार है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि दिल्ली के ही पदचिन्हों पर आज बंगाल भी चल रहा है। तब भाजपा के कपिल मिश्रा ने खुलेआम यह ऐलान किया था और दिल्ली में हुई हिंसा का समर्थन किया था। तब पुलिस प्रशासन बुत बनकर तमाशा देख रहा था और एक ऐसा तबका भी था जो प्रदर्शनकारियों को ही आतंकी घोषित करने में लगा हुआ था। बिल्कुल वैसा ही आज बंगाल में किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन कर मारा जा रहा है, यहाँ तक कि बेजुबानों तक को बख्शा नहीं जा रहा। मैं किसी भी हालत में किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती, चाहे वो हिंसा बंगाल में हो या फिर दिल्ली में। जब दिल्ली में किसान शांतिपूर्ण तरीके से बिल का विरोध कर रहे थे और उन पर हिंसा की गई, आंसू के गैस फेंके गए, न उम्र का लिहाज किया गया और न ही अन्नदाताओं का, ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, कईयों की जान तक चली गई, तब शायद कंगना रनौत की संवेदनाएं वेकेशन पर चली गई थी। तब ग्लिसरीन लगाकर भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। न जाने कितने बूढ़े किसानों ने सड़क पर ठिठुर ठिठुर कर दम तोड़ दिया। तब राष्ट्रभक्त कंगना ने इन लोगों को आतंकवादी कहकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। अब आप ये समझ सकते हैं कि विशेष अवसर पर उमड़ने वाली इस मानवता का उद्देश्य क्या है। हालांकि अगर भाजपा नेताओं ने दिल्ली दंगों का समर्थन नहीं किया होता, अगर कपिल मिश्रा और रागिनी यादव जैसे हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई की गई होती, तो यकीन मानिए आज मेरे ये सवाल टीएमसी और ममता बनर्जी से होते। हालांकि मैं अब भी ये नहीं कह रही कि ममता बनर्जी बंगाल में हुई हिंसा की जिम्मेदार नहीं है, उन्हें अभी भी जवाब देना ही होगा। निर्वाचन आयोग के सर पर टोपी पहना देने से वो हिंसा से पलड़ा नहीं झाड़ सकती, लेकिन आप यकीन मानिए राजनीतिक दलों के लिए आम जनता सिर्फ एक मोहरा है, सिर्फ एक मोहरा है जिसे ये राजनीतिक दल अपनी जीत या हार के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर आप मोहरा बनने से बचना चाहते हैं तो आपको सवाल करने होंगे। दिल्ली के लोग चल रहे थे जब दिल्ली धू धू कर चल रही थी, तब ये मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रही थी? तब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से सवाल क्यों नहीं किए गए? तब इन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? तब क्यों कपिल मिश्रा और हेट स्पीच देने वाली रागिनी यादव को गिरफ्तार नहीं किया गया? मैं ये सवाल बार बार करूंगी क्योंकि आज बंगाल उसी के पद चिन्ह पर जल रहा है और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो लोग दिल्ली के दंगों के जिम्मेदार थे।